start cooking. बच्चों आज हम क्लास इलेवेंथ में ऊष्मा संचरण संचरण की विधियां है ना, इसका अध्ययन करेंगे। अर्थात ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितने प्रकार से पहुंच सकती है, तो ऊष्मा संचरण की तीन विधियां हैं। नंबर वन है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। तो ऊष्मा संचरण की इन तीन विधियों का हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए पहली विधि जो है वो है मेरे पास चालन, तो चालन में क्या आता है, चालन में ठोस या पदार्थ का कण ऊष्मा लेकर कंपित दोलन करता है और आगे के कण को ऊष्मा प्रदान कर देता है किंतु अपना स्थान नहीं छोड़ता ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन कहलाती है। उदाहरण किसी धातु की रॉड को गर्म करना। तो देखिए हमारे पास क्या है, चालन में क्या हो रहा है, मान लो मैंने ये रॉड ले ली और रॉड को मैंने यहाँ पर गर्म किया, तो इसका एक कण अणु परमाणु
ये विधि जिसमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने लगती है और कण अपना स्थान नहीं छोड़ता, बल्कि कण क्या करते हैं, सरल दोलनी कंपन करते हुए आगे ऊष्मा को ट्रांसफर करते हैं, इस विधि को हम चालन बोलते हैं। दूसरी विधि होती है संवहन। संवहन ऊष्मा संचरण की इस विधि में कण स्वयं ऊष्मा लेकर कम ऊष्मा या ऊष्मा या ताप वाले स्थान पर जाकर स्वयं ऊष्मा देता है। उदाहरण, पानी का गर्म होना, गर्म होना। ठीक, तो देखिए आपके पास, मान लीजिए पानी गर्म होता है तो इसके क्या करते हैं, जो इसके अणु होते हैं, तो नीचे वाला अणु पहले गर्म होता है और ऊष्मा लेके जाता है, यहाँ देता है, वो ठंडा भारी होता है, वो नीचे आता है। इस प्रकार ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती रहती है, इस पूरी प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। ऊष्मा संचरण की जो तीसरी विधि है उसको हम क्या बोल देते हैं, विकिरण बोलते हैं। विकिरण, तो ये मेरे पास आ जाता है ऊष्मा संचरण की, संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती, विकिरण कहलाता है। उदाहरण, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा। तो ध्यान रखिए, अगर ऊष्मा आ रही है और ऊष्मा आते आते संचरण की यह विधि क्या कहलाती है, विकिरण कहलाने लगती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, विकिरण कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, सूर्य से ऊष्मा आसानी से हमारे पास आ जाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, विकिरण कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, चालन में जाते हैं और चालन में हम दो कंडीशन लेते हैं। चालन में ताप की अस्थायी
और स्थाई दिशा तो चालन में दाब की अस्थाई और स्थाई दिशा। मान लीजिए मैं यहां पर एक रॉड ले लेता हूं और रॉड में मैंने यहां पर हीट देना शुरू किया, ये हीट दिया और मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसके डिफरेंट पार्ट में थर्मामीटर लगा दिया। ये थर्मामीटर लगे हुए हैं तो होगा क्या, पहले तो ये वाला पार्ट गर्म होगा, फिर ये वाला पार्ट गर्म होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये होगा और इसमें क्या होगा, मरकरी या पारे का लेवल बढ़ेगा कुछ टाइम तक, तो ये बढ़ेगा फिर ये कैसा होगा, कांस्टेंट हो जाता है, अचर हो जाता है, फिर बढ़ना बंद हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया, जब पहले तो हर यहाँ पर कण खुद की ऊष्मा लेता है और ऊष्मा लेते 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 गर्म होता है, फिर एक लिमिट के बाद ऊष्मा को लेना बंद कर देता है और अपना मैक्सिमम टेम्परेचर बना के महाभाप की ऊर्जा को बाहर निकाल देता है, इसको ताप की स्थाई दशा कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा दिखाए करते हैं, जब किसी धातु की धातु के एक सिरे को ऊष्मा दी जाती है तो प्रारंभ में इसके प्रत्येक भाग का ताप बढ़ता है, फिर बढ़ता है इसे ताप की अस्थाई अवस्था कहते हैं, फिर इसके बाद प्रत्येक भाप का ताप स्थिर हो जाता है, इसे ताप की स्थाई दशा ऊष्मा चालकता गुणांक बताता हूँ आपको। तो मान लीजिए ये एक धातु की रॉड है, ठीक, इसका यहाँ का टेम्परेचर थीटा वन और यहाँ का टेम्परेचर थीटा टू है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको हीट दे रहा हूँ। ठीक है,
इससे हीट जैसे जाएंगे तो क्यू सप्लाई होती है, इसकी लंबाई एल है, ठीक है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो माना धातु के एक सिरे से क्यू ऊष्मा को टी समय के लिए प्रवाहित किया जावे तो ऊष्मा प्रवाह की दर Q अपॉन T समानुपाती A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहेगा उतनी ज्यादा यहाँ पर ऊष्मा प्रवाहित होगी। Q अपॉन T समानुपाती थीटा वन माइनस थीटा टू दिया जाता है दोनों सिरों के तापांतर पर। तीसरा Q अपॉन T समानुपाती आ जाता है वन अपॉन L, L इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड की लंबाई हो जाती है। अगर मैं इसको समान कंबाइन कर लूं तो Q अपॉन T समानुपाती A थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन L, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ Q अपॉन T समानुपाती के चिन्हों को बराबर में कन्वर्ट कर लीजिए तो एक अचर या कांस्टेंट K लेके चलता हूँ, यह जाता है A थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन L आ जाता है, या Q इक्वल टू दिया जाता है के A थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी अपॉन एल के बराबर आता है। यहाँ पर ये जो के आता है इस केस को हम बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो के यहाँ पर ऊष्मा चालकता गुणांक आता है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, स्कूल में भी आता है, ठीक है, इसको नोट करिएगा।